एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूँ आपका फास्ट ट्रैक में, एनडीए के सिलेबस में। देखिए, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, ये पाथ फाइंडर से मैंने पीडीएफ निकाला है। इसमें लिखा हुआ क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जनरली जनरली वन क्वेश्चन इज़ आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वन क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनर्जी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे भी बेस्ड हो सकते हैं ये क्वेश्चन, जो कि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, और आपका मैकेनिकल एनर्जी पे भी ये क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्क एनर्जी पावर में कैसे कैसे है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम वर्क पढ़ते हैं। वर्क क्या होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, वर्क के बारे में बात कर रहे थे। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मान लेते हैं कि हम फोर्स को ऐसे लगाते हैं और इधर ही आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, तो ये हो गया फोर्स आपका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इस तरह से वर्क को समझ सकते हैं। अब देखिए, वर्क डन बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स, एक कॉन्स्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो किस तरह से होता है। तो वर्क डन बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में, आप सबसे पहले डायग्राम इसको देख कर समझिए कि ये देखिए एफ फोर्स लग रहा है और ये थीटा एंगल पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर बनाया है। मतलब क्या है कि एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे है, इस पर एफ फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ तक आ गया, एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमारे पास जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब यहाँ पर देखिए, फोर्स तो हम ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ये थीटा ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो वर्क डन होगा ये हो जाएगा फोर्स कितनी है, फोर्स है आपका एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट है एस, यानी जो वर्क डन होगा ये आपका हो जाएगा एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा। तो ये आपका वर्क डन का मेन फॉर्मूला है, इसी को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ये जो थीटा है ये हो सकता है कि हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट वगैरह इधर हो, तो अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा 90, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जब हम फोर्स मतलब ऐसे लगता है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर होता है तो उस समय जो वर्क डन होती है वो ज़ीरो होती है। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल दो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर फोर्स मतलब फोर्स उसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगता है, बट उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे होता है। तो दोनों के बीच मतलब ऑलवेज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होती है वो एंगल होती है 90 डिग्री। तो यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस समय वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एस आई यूनिट इज़ जूल। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एस आई यूनिट जूल होता है, और सी जी एस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका देखिए वर्क टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क होता है और एक होता है नेगेटिव वर्क, और जीरो वर्क भी होता है। तो कैसे कैसे होता है, अगर मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रही है, तो इस केस में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और जो आपका वर्क डन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो इस केस में ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर देखिए कॉस कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो जब आप वर्क डन जब कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन कैलकुलेट करो, तो एफ, मैं नेगेटिव वर्क डन की बात कर रहा हूँ, एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एस और इंटू कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एफ एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, और जीरो वर्क डन भी उसी तरह से होगा, यानी जब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, ठीक है, एंड लेस देन आपका 90 डिग्री होगा, तो इसके बीच में जो आपका वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा। थीटा जब 90 डिग्री होगा उस समय क्या हो जाएगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ
और 180 डिग्री के बराबर हुआ या इसके इक्वल हुआ, तो यहाँ पर आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है कि आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो फिगर है, यहाँ पर देखिए फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर यही फोर्स ऐसे लगता, यानी 90 डिग्री से इधर चला गया, यहाँ पर थीटा अब आपको ये हो गया, मान लेते हैं थीटा बराबर 120 डिग्री, तो इस केस में जो आपका वर्क डन आता, आपका क्या आता, नेगेटिव। यानी कि देखिए आप ऐसे समझ लो, ये आपका अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स आपका ऐसे लग रहा, मतलब इसके इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच लग रहा फोर्स, तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा, यहाँ होगा वर्क डन नेगेटिव। और अगर ऐसे हो रही है, मतलब इस लाइन पर कितना हो जाएगा, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा, या फिर कह लीजिए कि फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए जो वर्क डन होता है उसको अच्छे से समझने के लिए हमें दो प्रकार के फोर्सेस पढ़ने हैं, एक है आपका कंजर्वेटिव फोर्स और एक है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इफ़ द वर्क डन बाई द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाई द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मान लेते ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने यहाँ पर रख दिया चार्ज Q1 और यहाँ पर रख दिया चार्ज Q2, तो अब दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर ये प्लस है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने मतलब चार्ज को कैसे रखा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और क्या क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एलास्टिक फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, क्योंकि उनको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए एनडीए पाथ फाइंडर है, ये है ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द बॉडी मूव्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल को ए को बी तक ले जाते हैं, ठीक है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जाहिर सी बात है कि हम फ्रिक्शन यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट मेरा बॉडी ए है, इसको हमको बॉडी बी तक ले जाना है, ठीक है, तो हम इस बॉडी को ऐसे ऐसे ले जाएंगे, इसी इसी सरफेस पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन काम करेगा। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन इज़ ए टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कहाँ पर होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और होती है आपका विस्कोसिटी में, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कोसिटी आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद आते हैं एनर्जी, ठीक है, तो सब लोग सबको पता है कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कैपेसिटी मानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी भी जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। अब देखिए एनर्जी जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी सच इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एट्सेट्रा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कॉमनली नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो यू वी कैन राइट हियर पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच एंड काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², ठीक है। तो ये होती है आपका, ये हो गया आपका, यहाँ पर देखिए दिस इज काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो एम है वो मास है और वी जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड नाउ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² / 2m। तो कभी कभी ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ देता है, क्या पूछेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो बुक किताबों में ऐसे भी रहता है कहीं कहीं पर, p = जैसे काइनेटिक एनर्जी को ई मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर ई मान लिया तो ये क्या हो गया, p² / 2m हो गया। तो अगर इस 2m को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × m × e, और ये स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा, ये p² था तो स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो पी इक्वल्स टू रूट टू एम ई। तो बुक में कई बार ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, और इस ऑप्शन मतलब इस चार ऑप्शन इस प्रकार के मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा रहेगा आपको पी, ऐसे ऑप्शन रहेगा पी स्क्वायर बाई टू के, पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट टू एम के, ऐसे रहेगा। तो के रहे या ई रहे, दोनों एक ही बात है। के मतलब काइनेटिक एनर्जी और ई मतलब भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो दिस इज इक्वल्स टू मतलब दिस इज द रिलेशनशिप, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम दी एवब रिलेशन इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर दैट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। कहने का ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसमें काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जिसमें जब उसमें मोमेंटम होगी, या उसमें मोमेंटम तभी होगी जब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। आई वॉज समझ। सो नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है, वर्क डन बराबर जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के ई। तो के एफ क्या, वॉट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो इसको हम मान सकते हैं हाफ एम वी एफ स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को ले सकते हैं हाफ एम वी आई स्क्वायर। वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड वी एफ मतलब काइनेटिक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा ऑफ के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बाई इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजिशन के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कौन कौन सा है। पहला आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अच्छे से देखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, देखिए, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच अट्रैक्ट्स वन अनदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस आर, दो ऑब्जेक्ट एम वन और एम टू मास वाला जिसको कि हम कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस से सेपरेट किए, तो उसके लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जी एम वन एम टू बाई आर होगी, ठीक है। और अगर इफ़ एन ऑब्जेक्ट मास एम इज़ एट हाइट एच रिलेटिव टू सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज यू इक्वल्स टू एम जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर। मतलब अगर ग्राउंड पे अगर बात किया जाए किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में हम लोग जी पी ई भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, और ये जो है आपका, ये आपका एम जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर। सो आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी इक्वल्स टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन अबव फार्मूला रिड्यूसेस टू एम जी एच। अगर एच जो है आर से बहुत छोटा है, उसके बाद है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक और स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एक तरह से आपका काइनेटिक एनर्जी के जैसा होता है, बट यहाँ पर देखिए ये वन बाई टू के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें जो जो यहाँ पर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट बाई स्ट्रिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू एक्स स्क्वायर को वन बाई टू इंटू एफ इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ से ये भी होता है एफ वन बाई टू इंटू एफ इंटू एक्स भी होता है, और एफ स्क्वायर बाई टू के भी होता है। नाउ द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सो विच इज इक्वल्स टू, ये सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ठीक है। तो तीन तरह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जब एक ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंका जाता है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन चेंजिंग टू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इसका उल्टा होगा पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, सॉरी, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने बता दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो टोटल एनर्जी है पूरे विश्व में, अक्रॉस द वर्ल्ड, द टोटल एनर्जी विल रिमेन ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है आपका, एक होता है आपका ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाना। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। और ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर आपका है लाइट एनर्जी। ठीक है, सन कौन सी एनर्जी देती है, लाइट एनर्जी देती है। अब आपने एक सोलर प्लेट लगाया, यहाँ पर ऐसे सोलर प्लेट लगाया, तो प्लेट पे पूरा लाइट इंसिडेंट हो रहा था, और ये इंसिडेंट होने के बाद हम इस फैन से हम सब कुछ चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इसके लिए होगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्म और एक होता है ट्रांसफर, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है, तो आप कन्फ्यूज़ मत करना। तो यहाँ पर जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर कुछ मिटा हुआ है, हाँ, ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके बाद यहाँ के बाद फोर्सेस के बाद आर है, बोला दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये बताता है कौन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलता है। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम देखते हैं पावर। सो व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो जब किसी चीज़ की रेट की बात होती है, वर्क मतलब डब्लू, और जब इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को टाइम का से डिवाइड करते हैं तो वो रेट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिखा वी माइनस यू बाई टी, तो वी माइनस यू बाई टी लिखा, तो ये क्या वी माइनस यू, क्या वी माइनस यू इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वी जो है फाइनल वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी और आपने टाइम टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जब किसी चीज़ को टाइम ऑफ टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रेट। तो यहाँ पर देखिए किसको टाइम से डिवाइड किया, वर्क डन को, और टाइम से डिवाइड, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई एफ, और हम सभी जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, तो एफ डॉट एस होता है मतलब एफ एस कॉस थीटा हो सकता है, तो एस वाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, यानी हम पावर को लिख सकते हैं एफ डॉट वी डॉट, और इसको हम लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। आई बात सुन, उसको देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो वाट होता है। ठीक है, इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट, जेम्स वाट ने जिन्होंने इंजन की खोज की थी उन्होंने ही पावर की भी खोज की थी। ठीक है, तो हैविंग द सिंबल डब्ल्यू, डब्ल्यू सिंबल से, डब्ल्यू मतलब वाट, ठीक है, छोटा डब्ल्यू मतलब वर्क डन भी होता है डब्ल्यू का मतलब, बट अगर ऐसे लिखा हो जैसे मतलब 100 W लिखा हो तो इसका मतलब 100 वर्क नहीं बोलेंगे, इसका मतलब बोलेंगे 100 वाट। ठीक है, और अगर ऐसा लिखो W बराबर अगर लिखा हो 100, ठीक है, तो W बराबर 100 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ये वर्क डन है, और ऐसे लिखा हो 100 और बगल में 100 लिख के डबल में बगल में W लिखा है, इसका मतलब है 100 वाट। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज़ मत करना। तो 1 MW जो होता है वो 10^6 वाट के बराबर होता है, 1 KW जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो एक
हॉर्स एचपी होता है, हॉर्स पावर, तो 1 HP मतलब एक घोड़े में जितनी जो शक्ति होती है वो कितनी होती है, 746 वाट की एनर्जी होती है घोड़े में, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो वॉट इज किलो वाट आवर, किलो वाट आवर 1 3.6 × 10⁶ जूल, मतलब 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁶ जूल, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है कॉलिजन, ठीक है। तो कॉलिजन सबको पता है कि अगर कोई भी बॉडी जा रही है तो टकरा गया तो कॉलिजन हो गया। मान लीजिए कि एक बॉडी ऐसे जा रहा है M1 मास का, और ये इसकी वेलोसिटी U1 है, और ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और ये दूसरी वेलोसिटी है, और इसकी वेलोसिटी है M2 मास की बॉडी है, और इसकी वेलोसिटी V2। अब यहाँ पर देखिए, अगर V1 की वेलोसिटी V2 से ज़्यादा हुई, इसका मतलब ये ज़्यादा स्पीड चलेगा और ये कम स्पीड चलेगा। तो कुछ देर के बाद अगर सिंगल रोड पर जा रहे दोनों, तो अगर सिंगल रोड पर दोनों जा रहा है तो एक की वेलोसिटी अधिक और दूसरी की वेलोसिटी कम है, तो पीछे वाले की वेलोसिटी अगर अधिक है और आगे वाले की कम है और दोनों सिंगल रोड पे जा रहे हैं, तो चांस है कि वो आगे चलकर टकरा जाएगा, ऐसे टक्कर हो जाएगा। तो ये जो टक्कर होगा इसमें बोलेंगे कॉलिजन, ठीक है। तो कॉलिजन कई प्रकार के होते हैं, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन। तो मुख्य मेनली जो है आपका दो तरह के कॉलिजन होते हैं, एक होता है आपका इलास्टिक कॉलिजन, और ठीक है, और दूसरा होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इफ़ देर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर कॉलिजन हुआ और कोई किसी काइनेटिक एनर्जी की लॉस नहीं हुई ड्यूरिंग अ कॉलिजन, ठीक है। कॉलिजन के दरमियान अगर किसी काइनेटिक एनर्जी की लॉस नहीं होती है तो इस प्रकार के कॉलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। उसके बाद देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन आर एज फॉलोज। तो जो इलास्टिक कॉलिजन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ऐसा होता है, क्या क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम ऑल्सो कंजर्व रहेगा, और टोटल एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलिजन आर कंजर्वेटिव। तो ये चार पॉइंट होता है क्या, आप ऐसे समझ लेना, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो मोमेंटम भी कंजर्व, और अगर मोमेंटम कंजर्व तो एनर्जी कंजर्व, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी भी कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, ठीक है। सो फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलिजन आर कंजर्वेटिव। तो जो इसमें फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या, दूसरा जो आपका टाइप्स है आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरे टाइप्स हैं वो आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो इन इलास्टिक कॉलिजन भी आप समझ सकते हैं, व्हाट इज इन इलास्टिक कॉलिजन, इफ़ देर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो इन इलास्टिक कॉलिजन माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इन इलास्टिक कॉलिजन का। पहला करेक्टरिस्टिक्स है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। उसके बाद द थर्ड पॉइंट इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व, सम ऑफ ऑल ऑफ द फोर्सेस, सम और ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव। तो इसमें जो भी फोर्स इन्वॉल्व होंगे वो नॉन कंजर्वेटिव होंगे, यानी कैसे फोर्स होंगे, वो पाथ पर डिपेंड करेंगे। जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जो पाथ पर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन। तो कैसे कॉलिजन कंजर्व होता है मोमेंटम, तो यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसमें हम लोग यही समझना चाहिए कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इसको समझिए, मान लेते हैं कि एक बॉडी है M1 है और ये U1 वेलोसिटी से चल रही है, और दूसरा बॉडी है आपका M2 और ये चल रही है U2 वेलोसिटी से। तो कुछ देर के बाद यहाँ पर ये दोनों आकर आपस में टकरा गया ऐसे, तो जब ये टकराया होगा और टकराने के बाद जो M1 है वो चलने लगा आपका V1 वेलोसिटी से, और जो M2 है ये चलने लगा आपका V2 वेलोसिटी से। तो अगर मैं पूछूँ कि इसकी मोमेंटम कितनी है M1 की, तो M1 U1 हो जाएगा, और इसकी मोमेंटम कितनी है M2 U2 हो जाएगा। अगर कॉलिजन के पहले की टोटल मोमेंटम कितनी है M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है, और कॉलिजन के बाद की टोटल मोमेंटम कितनी है, तो कॉलिजन के बाद जो है M1 चल रहा था V1 स्पीड से और M2 चल रहा था V2 स्पीड से, तो बाद की जो मोमेंटम होगी टोटल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो कॉलिजन के पहले की टोटल मोमेंटम और कॉलिजन के बाद की टोटल मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व होगी, यानी ये इस रूल्स को फॉलो करेगी, किसको, इस रूल्स को।
ठीक है। अब देखिए, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? ठीक है, बोल रहा कि कंसीडर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ए एंड बी। दो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कंसीडर किया गया, एक बॉडी ए है दूसरा बी है, तो ए का मास एम वन है और बी का मास आपका एम टू है। मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटीज यू वन एंड यू टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यू वन इज ग्रेटर देन यू वन यू टू, तो एम वन है और ये चल रहा है यू वन स्पीड से, और ये एम टू है और ये चल रहा है आपका यू टू स्पीड से, और यू वन जो है यू टू से क्या है बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि द टू ऑब्जेक्ट कोलाइड्स हेड ऑन एंड कॉन्टिन्यू मूविंग इन सेम डायरेक्शंस विद द वेलोसिटीज ऑफ वी वन एंड वी टू रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब ये वाला फिगर है, ये डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम को समझिए। ये जो ऑब्जेक्ट ए है और ये इसका मास एम वन है और ये यू वन स्पीड से चल रहा है, यू वन वेलोसिटी से चल रहा है, और ये ऑब्जेक्ट वी है बी है और ये इसका मास एम टू है और ये वी टू वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब ये कोलाइड क्या होगा, तो एम वन मान लेते हैं बड़ा और एम टू छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर एम वन जो है वो आफ्टर कॉलिजन जो है वी वन स्पीड से चलने लगा, और आफ्टर कॉलिजन एम टू जो है वो वी टू स्पीड से चलने लगा। तो यहाँ पर देखें, ये बिफोर कॉलिजन, ये ड्यूरिंग कॉलिजन, ये एंड ये आफ्टर कॉलिजन। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहती है वो क्या कहती है कि ये जो है आपका ये कंजर्व होगा। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कॉलिजन का देखिए शर्त हमने पहले पढ़ा था कि जो इलास्टिक कॉलिजन होगी उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एम वन यू वन स्क्वायर, ऐसा हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर एंड हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। तो ये जो है आपका टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी है टोटल, और ये जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर सवाल पूछने का चांस बहुत कम है, बट फिर भी आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में देखिए यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम वन मूविंग विथ वेलोसिटी यू वन। एम वन ऑब्जेक्ट जो है यू वन से चल रही है और एम टू जो है वो रुकी हुई है। ठीक है ना, कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर ऑब्जेक्ट एम टू एट रेस्ट। तो एम टू किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, यानी एम वन जो मास है इसकी वेलोसिटी यू वन है और एम टू क्या है, रेस्ट में है। तो जब ये टकरा रहा है, जब ये टकरा रहा है, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम तो इसका कंजर्व भी रहेगा, एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो हम लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व मतलब कितना, इसका मोमेंटम हो गया एम वन यू वन और इसका मास एम टू, और वेलोसिटी तो है नहीं क्योंकि मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका ऑब्जेक्ट मतलब इस वाले ब्लॉक का एम वन यू वन हो गया और एम टू इंटू जीरो हो गया, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, जीरो है, यू टू बराबर जीरो। ठीक है, तो और बाद में जो है जब ये टकराया, तो टकराने के बाद एम वन जो है एम टू को फिर साथ में लेकर चल रहा था, यानी जो टोटल मास हो गया वो आपका एम वन प्लस एम टू हो गया और दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी वी से। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी वी निकालना रहता है। ठीक है, तो अब देखो इस पे मोमेंटम को इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक बंदूक है, मतलब एक गनमैन है और उसने बुलेट फायर किया, तो रिकॉइल वेलोसिटी पूछता है, तो वहाँ पर सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगकर बनेगा। उसका देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जाहिर सी बात है कि अगर हम लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस कब होता है, अगर शुरू में आपके पास ज़्यादा पैसा है और बाद में आपका कम पैसा है आपके पास, तो ज़्यादा में से कम हो गया तो लॉस हुआ आपका। अगर शुरू में कम होता और बाद में अधिक हो जाता तो आपको प्रॉफिट हो जाता, तो हम निकाल रहे हैं लॉस। तो लॉस में निकाल रहे, यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो देखिए डेल्टा के ई, सॉरी डेल्टा के बराबर के, डेल्टा के बराबर के आई, के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और के एफ माइनस मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा के इक्वल्स टू के आई माइनस के एफ, के आई माइनस के एफ, के आई माइनस के एफ, ये वाला। अरे अच्छा, के आई माइनस के एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका के आई, जो हो गया आपका हाफ एम वन यू वन स्क्वायर हो गया, और ये माइनस ऑफ हाफ इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि शुरू में ब्लॉक ए चल रहा था सिर्फ, बी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी,
और बाद में जो है दोनों कंबाइंड हो गया, तो दोनों कंबाइंड से मास जुड़ गया और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी थी, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपका इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, दो डायमेंशन में आपका इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन ये कैसे है, ये देखिए आपका ऐसे बोल रहा है कि सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास एम वन मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कि एम वन मास की कोई पार्टिकल है, ठीक है, एम वन मास की कोई पार्टिकल है और वो यू वन स्पीड से चल रही है, ये एम वन है और ये आपका यू वन है। तो जब ये यहाँ पर एम टू जो है वो रेस्ट में है, तो जब ये टकराई तो टकराने के बाद एम वन चली गई इधर और एम टू चली गई इधर, तो दोनों अलग अलग दो डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर एम वन जो है वी वन स्पीड से चल रही है, तो वी वन स्पीड से चल रही थी, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वी वन है आपका और ये है आपका थीटा, तो इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी वन इंटू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वी वन इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ उसके बाद आपका ऐसे हो गया आपका इस तरह से, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन। तो पहले हम देखेंगे ये चीज़, तो जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब कोलिजन हुआ तो एम वन वी वन कॉस थीटा वन ये हो गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एम वन वी वन साइन थीटा वन ये हो गया आपका अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो उसी तरह से आपका एम टू वी टू कॉस थीटा टू हो गया, ये आपका अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, एंड एम टू वी टू साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो एम वन वी वन, एम वन यू वन बराबर एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू यू वी टू कॉस थीटा टू, ये हो गया आपका, ठीक है, लगा दिया मैंने। इनिशियली आपका एम वन यू वन था और फाइनली आपका दोनों एक साथ चल रहा, तो ऐसा हो गया। सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ एम वन एंड एम टू अलॉन्ग वाई एक्सिस इज जीरो, जो इनिशियल मोमेंटम होगा एम वन और एम टू का वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो नाउ द अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। तो अगर हम अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर ये अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो जीरो इक्वल्स टू मिल जाएगा एम वन वी वन साइन थीटा वन एंड माइनस एम टू वी टू साइन थीटा टू, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि शुरू में मोमेंटम जो था आपका है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, तो इस तरह से हम लगा देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो एज द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन द एनी एन इलास्टिक कॉलिजन, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हम यहाँ से लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, दोनों अलग अलग स्पीड से चला, तो एम वन चला वी वन स्पीड से तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, और एम टू चला वी टू स्पीड से तो इसका हो गया हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द फोर अननोन क्वांटिटीज, कौन कौन सा, वी वन वी टू थीटा वन एंड थीटा टू कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द थ्री इक्वेशंस वन टू एंड थ्री बाई मेजरिंग वन ऑफ द फोर अननोन्स से थीटा वन एक्सपेरिमेंटली, एंड द वैल्यूज ऑफ अदर थ्री अननोन कैन बी सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपका एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ठीक है, तो आप इसमें डरना मत, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करते हैं, और ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है फॉर्मूला जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन कैसे होगा, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक ऐसे जा रहा है और एक ब्लॉक ये दूसरा भी ऐसे ही जा रहा है, दोनों टकराया, टकराने के बाद ये स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा था, टकराने के बाद ये ऐसे चला गया और ये चला गया ऐसे, ठीक है। या फिर आप दूसरा कंडीशन ये मान लो कि एक एक बॉडी ऐसे है और एक बॉडी ऐसे है, ये चल रही है ऐसे और ये चल रही है ऐसे, तो ये दोनों अगर चल रही है तो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ठीक है। और दोनों जब टकराए, टकराने के बाद एक चली गई ऐसे और एक चली गई ऐसे, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। तो वही चीज़ लिखा, जो ई होता है ई को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ई का जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ सेपरेट करेगा तो वी वन माइनस वी टू हो जाएगा, और जब आपका अप्रोच करेगा तो यू वन माइनस यू टू हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए क्या होता है, ई की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराया और टकराने के पहले और टकराने के बाद उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
इसका मतलब क्या है, वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग जो बोर्ड पे एक बॉल खेलते हैं ना, उसका नाम मुझे गेम का याद नहीं है, एक छड़ी से मारने वाला ये होता गेम होता, वो बॉल होता है, कैरम बोर्ड के जैसा होता है, कैरम बोर्ड जैसे होता है उसी तरह से होता है, और उस पर ना बहुत सारे बॉल्स होते हैं, तो हम किसी एक बॉल्स को निशाना लगा के मारते हैं छड़ी से, ये फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक है, और उसमें से कोई दूसरा जो कलर का जो बॉल होता है वो क्या होता है, वो जाकर उसमें क्या बोलते हैं, ड्रॉप हो जाता है कॉर्नर पे, जो ये होता है, जो ये होता है कॉर्नर पे, जो ये किस क्या होता है उसमें, जो ड्रिल होता है उसमें जाकर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, उस गेम का मुझे याद नहीं। तो वो जो है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल है, बट एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली इलास्टिक ऐसा नहीं होता है, मतलब आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिक्स में। फॉर एन इन इलास्टिक कॉलिजन, तो इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपका था, आपका पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, जब किसी बॉडी पे वर्क किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है। पहला है इट गेन्स एनर्जी, दूसरा आपका इट लॉसेस एनर्जी, तीसरा आपका इट्स एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड चौथा है आपका नन ऑफ द एबव। तो जब हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन क्या होता है, हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जब किसी बॉडी पे हम वर्क डन करते हैं तो वो एनर्जी क्या होता है, वो वर्क डन क्या होता है, एनर्जी में स्टोर होता है। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, ठीक है, एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ही बोल रहा, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनने के लिए बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वर्क डन बाई अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द वर्क, ये भी सही है। वर्क डन कैन नेवर बी जीरो, जीरो तो हो सकता है अगर फोर्स ऐसे लगे और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो एफ एस कॉस 90 डिग्री, तो ये जीरो, यानी सी इज द सी नहीं होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये भी सही है, यानी सी होगा आपका, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए बोले चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, तीसरा है आपका एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, एक ऑब्जेक्ट को जिसका वजन 2 kg है, इसको 2 किलो मतलब सॉरी 1.5 मीटर ऊपर ले जाया जाता, तो कितना वर्क डन किया गया, ठीक है। तो हम जानते हैं वर्क डन बराबर क्या, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 kg है और ये आपका 1.5 है, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन इन प्रोग्रेस इज, तो वर्क डन इन प्रोग्रेस कितना हो जाएगा, ये आपका 17.4 जूल हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 17.4 जूल। तो हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका मान लेते हैं ये है, तो इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा mg, और ऊपर काम कर रहा होगा आपका ये फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो फोर्स बराबर mg हो जाएगा, तो फोर्स लगा और ये कितना ऊपर गया, 1.5 मीटर ऊपर गया, तो हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन बराबर क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और फोर्स जिधर लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही लग रहा है, उधर ही लग रहा है, तो आपका जो हो जाएगा आपका mg, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है, और g का वैल्यू कितना, 9.8, ठीक है ना, और ये 1.5 है, तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए ये लगभग आपका 9.8 × 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आप या फिर 15 × 3, 17.4 जूल आना चाहिए इसका, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये आपका हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर मोमेंटम, इसको देखिए इसको सॉल्व करिएगा, ये नहीं बनेगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर मोमेंटम पी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम रिलेटेड इज, मैंने बोला था ना कि ये पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 ME होगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, शुरू में हम लोग देखे थे एकदम इनिशियली, इनिशियली हम लोगों ने देखा है, ये देखिए जहाँ पर हम वर्क एनर्जी, हाँ यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन क्या है, ई इक्वल्स टू टू मतलब ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2 m, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू जो 2 ME और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पर यही क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। तो पी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई, यानी तीसरा का ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से कई सारे सवाल हैं, तो इसमें आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज कॉल्ड। तो स्प्रिंग के द्वारा जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है। पहला ऑप्शन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सही लग रहा है। मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं होगा और टोटल एनर्जी भी नहीं होगा। तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, स्प्रिंग में होती है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ द 6 बोल रहा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, तो ये नीचे गिर जाता है, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जाहिर सी बात है जब तुम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे होगे, तो शुरू में जब फेंकोगे तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी घटता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और जाते जाते यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम हाइट पर चला गया, तो जिस जहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट होगा यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप याद रखना, तो यहाँ पर क्या पूछा है, पूछा है कि द इफ़ द इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा, 6 का ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है आपको ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे तो होगा नहीं क्योंकि ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। उसके बाद बोल रहा है एट द मैक्सिमम हाइट, बी, तो बी लग रहा सही। उसके बाद और क्या बोला, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, ये भी नहीं होगा। बोथ ऑन द ग्राउंड एट द टॉप, एक साथ नहीं हो सकता है, कि एक साथ ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल एनर्जी एक ही जगह पे मैक्सिमम नहीं हो सकता है। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से कई सारे सवाल हैं। ठीक है, तो मैं इसका आपको क्वेश्चन का कम से कम 20-25 क्वेश्चन का, आपको 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन का सेट आपको भेजता हूँ, इस चैप्टर का PDF भेजता हूँ, आप इसको हल करिए और ऐसे ही आप लगे रहिए। ठीक है, इस पर और अच्छा अच्छा सवाल मैं देखता हूँ, एक लेक्चर में सोच रहा हूँ कि इस पर पूरा न्यूमेरिकल्स का ही सिर्फ लेक्चर इस पर डाल दूँ एक, तो मैं देखता हूँ पावर वगैरह का कैसे बनेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।